2025 संविधान सभा से ठीक पहले बिहार सरकार विभिन्न विभागों में लगातार नए लोगों के लिए बहाली निकाल रही है, लेकिन बिहार में पहले से ही कार्यरत कंस्ट्रक्चुअल वर्कर्स को उचित मानदेय और सभी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। इसे लेकर पटना के गर्दनी बाग स्थित धरना स्थल पर बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के बैनर तले बिहार भर के ANM महिलाओं ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारी संघ के नेता अमित मिश्रा ने कहा कि कॉन्स्ट्रेक्चुअल ANM महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से वेतनमान नहीं दिया जा रहा है, न ही उनको कोई छुट्टी दी जा रही है और उनका EPF भी सरकार भुगतान नहीं कर रही है। बताया गया कि ट्रेंड ANM को मात्र 11,500 रुपए में काम लिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। इसलिए आज बिहार भर की ANM महिलाएं सड़कों पर उतरी है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देख रहे हैं तमाम जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आज मौजूद हैं। बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा जो है ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारे साथ पदाधिकारी हैं संगठन के, अमित मिश्रा जी, क्या कहेंगे, किस लिए आज बिहार चिकित्सा जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा संचालित बिहार राज्य अर्बन 865 ANM संघर्ष समिति का माननीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार के समक्ष धरना आयोजित किया गया। उसमें हमारी मुख्य मांग यही है कि ठेका अनुमूलन अधिनियम 1970 में ये व्यवस्था है कि स्वास्थ्य विभाग अस्थायी प्रवृत्ति का विभाग है, तो ठेका अनुमूलन अधिनियम 1970 में व्यवस्था है कि अस्थायी प्रवृत्ति वाले विभाग में ठेका संदर्भ पर बहाली नहीं करनी है। उसके बावजूद भी ये सरकार बोली कि कुछ दिनों के लिए, जब तक नियमित नियुक्ति नहीं होती है तब तक हम व्यवस्था कर रहे हैं जनमानस की समस्या को दूर करने के लिए। इनको 26,000 मजदूरी देने के बजाय मात्र 11,500 रुपये इनको मजदूरी दिया जा रहा है। इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ धरना दे रहे हैं। किस पद पे हैं ये लोग? ये सभी ANM है, सभी ANM है। कितना अभी सैलरी दिया जा रहा है? मात्र 11,500 रुपया। आपको जानकारी होगा जब घर बनाने में मिस्त्री को पटना जैसे शहर में 700-800 रुपया वो लेते हैं मजदूरी, 700-600 चल रहा है और इनको मात्र 11,500 रुपये। एक ANM है, ट्रेंड ANM है। बात करेंगे मैम, कहाँ से आई हैं, क्या नाम हुआ आपका? शाहीन परवीन। कहाँ से आई हैं? महुआ से, महुआ ब्लॉक। क्या लग रहा है कि मात्र 11,500 में क्या घर नहीं चल पा रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। इतनी महंगाई में इतना छोटे जो बच्चा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। 11,000 क्या कहेंगे, कहाँ से आई? मैं पटना जिला की रहने वाली हूँ, मेरा नाम अमृता है और हम लोग अपने वेतन के लेके, मतलब वृद्धि के लेके आए हैं, क्योंकि 11,000 बहुत कम ही सैलरी है और पटना में रहना अर्बन, मतलब जो शहरी क्षेत्र के लिए हम लोग टीकाकरण बहाली हुए हैं, 11,500 में नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक मिनिमम छोटा सा भी रूम लेंगे तो उसका किराया कम से कम 3,000 से 4,000 होता है। और मैं औरंगाबाद अर्बन ANM हूँ और यहाँ डिमांड है सर कि हमें न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया दिया जाए, जब तक हमें रेगुलर नियुक्ति नहीं की जाती है तब तक। और अभी हम लोग को 11,500 रुपया मिल रहा है। हम लोग 3-20 विज्ञापन के तहत एग्ज़ाम देते हुए CBT निगेटिव से क्लियर करके और बहाल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी उसे उठा के हम लोग को ला के पटक दिया। कहाँ काम करते हैं? औरंगाबाद में हम लोग हैं, औरंगाबाद PAC में। आप कहाँ से मैम? क्या नाम हुआ? शोभा कुमारी। कहाँ से? औरंगाबाद। औरंगाबाद से ही। क्या लग रहा है कि 11,000 में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है? बहुत मुश्किल हो रहा है। हर महीने किसी न किसी से उधार। क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं? औरंगाबाद से। क्या हो रहा है आप लोग? हम लोगों को 11,000 में मतलब भरण पोषण नहीं हो पा रहा है और रूम रेंट का किराया वगैरह नहीं जुट रहा है। तो मैं औरंगाबाद से आई हूँ। कितनी समस्या है, क्या कुछ समस्या है? समस्या तो बहुत है, लेकिन सरकार को बस यही कहना है हमको कि बस हमारी मांगे पूरी कीजिए। क्या डर नहीं लग रहा है? सरकार कोई कार्रवाई भी कर सकती है आप लोगों पे? नहीं, जब हम लोग आए हैं तो यहाँ पे डर किसी बात की नहीं। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बस हम लोग का नियमित किया। डर नहीं लग रहा है कार्रवाई? नहीं नहीं डर लग रहा है सर, ऐसे भी भूखे मर रहे हैं। हर महीने आपसे पैसा मांगना पड़ता है हमको, अदर आदमी से पैसा मांगना पड़ता है। आप बताइए, एक स्कूल फीस, एक बच्चे का स्कूल फीस कितना होता है? और 11,000 में हम अर्बन में रह के 7,000-8,000 रुपये किराया दे के हर ड्यूटी क्षेत्र पे जाना है पैसा दे के और बच्चा लोग को पढ़ाना है सर, किस किस स्थिति? हटा दे सरकार हमको, क्यों बहाल की है? हटा दे, दूसरे आदमी को रख ले। दूसरे आदमी को भी 11,500 पे ही रखेगा ना, फिर वो कल आवाज़ उठाएगा।
हमारा 2.5 साल हो गया सर इस जॉब में, चरण ही नहीं बढ़ा है, महंगाई कितना बढ़ रहा है बताइए। कहे सरकार हम लोग सरकार महिलाओं की बात करती है, रोजगार देने की बात कर रही है, महिला सशक्तिकरण की बात, बातें तो बहुत कुछ करती है लेकिन उस अनुसार से सरकार काम नहीं करती है। बताइए अर्बन जिला में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आकर कोई 11,500 में कैसे रह सकता है, कैसे काम कर सकता है, क्या उसके पास इतना भी मतलब नहीं दिमाग है। हम लोग इस लड़ाई के लिए हम लोग SIO के पास गए, SCS के पास गए, सचिवालय गए, कितने सारे एप्लीकेशन दिए, आज से 4 महीना पहले की बात कर रहे हैं, लगातार हम लोग आ रहे जा रहे लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो अमित जी के नेतृत्व में ही पूरा कार्यक्रम ये जो है धरना का चल रहा है, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं आप, लगातार इस तरह का आवाज़ उठाते लग रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि सरकार मानेगी, क्योंकि 2025 के चुनाव की तैयारी में सरकार है, लगातार रोजगार दिया जा रहा है, 4.5 लाख सरकार नए लोगों को बहाली कर रही है, तो पुराने लोगों को ही जब सैलरी नहीं दे पा रही है तो क्या लगता है कि ये सरकार काम करेगी? सरकार को काम करना होगा, नहीं करेगी तो अनजनमानस के द्वारा जो समस्याएं हैं वो जनता की सवाल है, जनता की सवाल को लेकर के हम लोगों ने स्वास्थ्य संसद पूर्व में भी किया है, आने वाले दिन में भी स्वास्थ्य संसद करेंगे, जनता को बताएंगे कि सरकार क्या कर रही है। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़े पदों पर अभी बहाली की बात माननीय मंत्री द्वारा की गई है, माननीय मंत्री द्वारा की गई, जिसमें ANM, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर, फार्मासी सहित अन्य कई पदों की उनके द्वारा बात की गई कि बहुत जल्द 4 माह के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम बहाली करने जा रहे हैं, अगर नहीं होती है तो आने वाले दिन में बृहद आंदोलन करने के लिए बाध होंगे, जिसकी सरे जब यही बिहार सरकार की होगी, आने वाले दिन में आंदोलन करेंगे, हड़ताल करेंगे, तमाम स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर उतर जाएंगे, जिसकी सरे जब यही बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग की होगी। डर नहीं लगता है सरकार से? अरे डरना क्या है सरकार से, सरकार का हम एक अंग है, तुमसे डरना क्या, हमको तो मिलकर काम करना है सरकार के साथ, हमारी सरकार से मांग, हम सरकार के एक अंग है कि हमको न्यूनतम वैधानिक मजदूरी देना चाहिए, सरकार का ही है ये बात कि न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 देना है, 45, 46, 44, 45, 46 सर्व सम्मेलन का अनुशंसा है जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, उन्होंने बोला कि न्यूनतम वैधानिक मजदूरी देना है, उसके बावजूद लागू नहीं होता, ये शर्म की बात है, ये खेद का विषय है। क्या कुछ करेंगे आने वाले दिन में, हम बृहद आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं, जिसकी सर्वे जल्दी बिहार सरकार की हो। देखिए बहुत बड़ी बात है, आम जो ANM जो कि लगातार जो डॉक्टर होते हैं उसके बाद अगर रोगी की कोई देखभाल करता है तो केवल देखिए बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के द्वारा जो ANM महिलाएं हैं वो आज धरने पर हैं, कई मांगे हैं जो अस्थाई रूप से इनको बहाली किया गया है, स्थाई नहीं किया जा रहा है, ना इंश्योरेंस दिया जा रहा है, ना सैलरी बढ़ाई जा रही है, ना EPF इन लोगों का कट रहा है, तो ये तमाम मांगों को लेकर तमाम जो महिलाएं थी आज देखिए धरने पर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठी हुई थी, इन लोगों का यह भी डिमांड है कि जल्द से जल्द जो है इनका सैलरी बढ़ाया जाए, जो न्यूनतम मजदूरी है जो सरकार खुद कहती है न्यूनतम मजदूरी के बारे में वो भी सरकार नहीं दे रही है, अगर उनकी मांग पूरी नहीं हो गई तो आगे वो हड़ताल पर भी जा सकती हैं। पटना से सागर कुमार की रिपोर्ट।